Hello everyone, very good morning my dear 4th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our 62 session. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's we start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? 4th. And what's its name? Bal Suman. Are you ready with this reader? Okay, now open your readers. So children, what we learned in your previous class? हमारी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे बच्चों, कौन सा लेसन चल रहा है? आई रिमेंबर दिस, यस आई थिंक अवर थर्ड लेसन इज गोइंग ऑन. ओके, व्हाट इज अवर थर्ड लेसन नेम? कृष्णा और सुदामा. ठीक है, तो चलिए हमारा जो लेसन है कृष्णा और सुदामा, उसके लास्ट प्रीवियस क्लास में पेज नंबर 14 पर हम यहाँ पर एक्सरसाइज बिट कर रहे थे, यानी कि रीडर पार्ट पेज नंबर 14 ई बिट. कृष्णा और सुदामा पाठ से संबंधित शब्दों को इस वर्ग पहेली से चुनकर लिखिए. यहाँ पर आपको वर्ड पजल में से कृष्णा और सुदामा जो हमारा पाठ है यानी कि जो लेसन है उससे संबंधित शब्दों को यहाँ पर छाट कर आपको लिखना था. ठीक है, तो जो हम यहाँ पर लास्ट प्रीवियस क्लास में पेज नंबर 14 पे ई बिट करे थे, चलिए आज हम रेस्ट ऑफ द बिट कंटिन्यू करेंगे. सो कम अप द पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 एंड कीप योर फिंगर्स ऑन दिस बिट. भाषा की बात यानी कि हमारा जो लैंग्वेज है हिंदी, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर ग्रामर है. ठीक है, भाषा की बात, चलिए आ बीट शब्दों के अर्थ लिखिए. यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बीट में आपको शब्दों के अर्थ लिखना है. शब्द यानी कि यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है, यानी कि मीनिंग लिखना है. ओके, शब्दों के अर्थ लिखिए. शब्द मीन्स यहाँ पर जो दिए गए ना शब्द वर्ड्स, अर्थ में जिसका मीनिंग. ओके, यहाँ पर आपको शब्दों के अर्थ लिखना है. तो चलिए हमारा पहला शब्द देखिए यहाँ पर, आश्रम. आ श्र म आश्रम. आश्रम मीन्स, आश्रम का अर्थ क्या होता है? यस, पाठशाला, पुराने प्राचीन समय की पाठशाला. पाकवा की मात्रा ठ पाठ, शाकवा की मात्रा शा, लाकवा की मात्रा ला. पाठशाला आश्रम, पाठशाला आश्रम का अर्थ पाठशाला. नेक्स्ट देखिए सेकेंड, माँ को छुट्टी की मात्रा त्र मित्र. मित्र मीन्स, मित्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? मित्र मीन्स दोस्त. दाको की मात्रा आधा स त दोस्त, यानी कि फ्रेंड. ठीक है, फ्रेंड जो होता है उसे हिंदी में हम मित्र बोलेंगे. ओके, मित्र दोस्त, मित्र का अर्थ दोस्त. दाको की मात्रा आधा स त दोस्त. नेक्स्ट देखिए थर्ड, गुरु. गा को छोटी की मात्रा गु, राको की मात्रा रु, गुरु. जैसे कि देखिए हम यहाँ पर ऊ की मात्रा जो होती है हम अन्य अक्षरों को नीचे इसका प्रयोग किया जाता है, बट जो रा होता है उसको रू की मात्रा का प्रयोग हम यहाँ पर किया जाता है इसके साइड में. ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पर ये शब्द जो है गुरु है. गाकू की मात्रा राकू की मात्रा गुरु. गुरु का अर्थ क्या होता है बच्चों? गुरु मीन्स टीचर. ठीक है, गुरु तो गुरु का गुरु में गुरु का हिंदी में अर्थ देखिए अध्यापक. आ अध ध अध्यापक की मात्रा या प का अध्यापक. गुरु मीन्स अध्यापक. ओके, थर्ड जो शब्द है तीसरा जो है गुरु अध्यापक. फोर्थ देखिए उपहार. ऊ प उपहार क्वा की मात्रा र उपहार. उपहार मीन्स यस गिफ्ट. तो चलिए उपहार का हिंदी में अर्थ देखिए यहाँ पर भेंट. भा को एक की मात्रा अनुस्वर की मात्रा ट भेंट. यहाँ पर देखिए भा के साथ दो मात्राओं का प्रयोग किया गया है, भा को एक ही मात्रा और अनुस्वर की मात्रा. अनुस्वर अन की मात्रा भी बोलते हैं इसे. ठीक है, भा को एक ही मात्रा अनुस्वर की मात्रा टा भेंट, यानी कि जो उपहार होता है गिफ्ट होता है इसे हिंदी में भेंट भी बोलते हैं. ओके, उपहार भेंट. नेक्स्ट देखिए फोर्थ, पोटली. पा को ओ की मात्रा टा पोट, ला को बड़ी की मात्रा ली. पोटली, पोटली मीन्स जो बैग होता है पोटली ऐसा इस तरह से कपड़े की. तो देखिए पोटली को हिंदी में, पोटली का अर्थ पार्सल भी है हिंदी में यहाँ पर. पोटली पार्सल. पाकवा की मात्रा र पार्सल, पार्सल. ठीक है, पोटली, पोटली का अर्थ पार्सल. चलिए सिक्स्थ देखिए, आदर सत्कार. आ दर अदर आदर सत्कार. सत सत काकवा की मात्रा र कार सत्कार. आदर सत्कार, आदर सत्कार यानी कि रेस्पेक्ट. आदर सत्कार सम्मान. स अदमा सम मागवा की मात्रा नामान सम्मान. आदर सत्कार यानी कि सम्मान रेस्पेक्ट. आदर अदर आदर स आदर तासत काकवा की मात्रा रकार. आदर सत्कार सम्मान. स अदमा सम मागवा की मात्रा नामान सम्मान. नेक्स्ट देखिए सेवेंथ, पड़ोसिन. पड़को की मात्रा डो, साकु छोटी की मात्रा नासिन. पड़ोसिन, पड़ोसिन
यानी कि जो जो हमारे नेबरहुड होते हैं, हमारे पड़ोसी। तो देखिए पड़ोसिन, जो पड़ोसिन का अर्थ हिंदी में देखिए सहवासी, स ह सह वाकवा की मात्रा व सहवा साकबड़ी की मात्रा सी, सहवासी। पड़ोसिन का अर्थ होता है सहवासी, यानी कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो रहने वाले होते हैं वासी, उसे हिंदी में सहवासी भी बोलते हैं, पड़ोसिन सहवासी। चलिए एर्थ देखिए अदपा या क्वा की मात्रा र प्यार, तो प्यार जो है उसका अर्थ देखिए प्रेम, बाकु पदेन की मात्रा ए की मात्रा माँ प्रेम, प्यार का अर्थ है प्रेम, पाको पदेन की मात्रा और ए की मात्रा। यहाँ पर देखिए पा के साथ दोनों मात्राओं का प्रयोग किया है, जैसे कि नीचे के जी जो रेखा दिखाई दे रही है वो पदेन की मात्रा कहलाती है, ऊपर की जो रेखा है ऊपर जो है वो ए की मात्रा है, ठीक है। पाको पदेन की मात्रा ए की मात्रा प्रे मा प्रेम प्यार प्रेम। चलिए हमारा नाइन्थ देखिए, यहाँ पर नाइन्थवा जो वर्ड है कृपा, काकु री की मात्रा बाकू आ की मात्रा कृपा, कृपा मीन्स यहाँ पर देखिए का के नीचे जो है वो रु की मात्रा है, ठीक है। जैसे कि हमारा री होता है आ आ ए ई ओ ओ रु, जो हमारा रु अक्षर होता है उसे हम री भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये री की मात्रा भी कहलाती है, रु की मात्रा भी कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर काकुरी की मात्रा क्री, पाकुआ की मात्रा पा, कृपा, कृपा का अर्थ हमदर्दी दया, ठीक है, कृपा दया। इसका कृपा का अर्थ देखिए दया, द या क्वा की मात्रा या दया, कृपा का अर्थ दया। चलिए लास्ट टेंथ देखिए हमारा दसवा शब्द हैरान, हाकुआई की मात्रा है राकुआ की मात्रा ना हैरान, हैरान यानी कि सरप्राइज्ड। हिंदी में देखिए इसका अर्थ आश्चर्यचकित बोलते हैं, ठीक है। हैरान जो होते हैं उसे हिंदी में इसका अर्थ आश्चर्यचकित भी कहलाता है। हाकुआई की मात्रा है राकुआ की मात्रा ना हैरान, हैरान का अर्थ आश्चर्यचकित। आ यहाँ पर देखिए बीच में जो रेखा है ये आ की मात्रा है, यानी कि हमारा आ स्वर जो है सेकंड दूसरा वाला आ स्वर है आ, तो हमको यहाँ पर आ की मात्रा है ना यहाँ पर खींच कर पढ़ना होता है आ, आ श आश च र य चर्य आश्चर्य च का को छोटी की मात्रा ताकित आश्चर्य चकित हैरान यानी कि आश्चर्य चकित, हैरान का अर्थ आश्चर्यचकित। जो हमारा पहला शब्द देखिए आश्रम पाठशाला मित्र दोस्त, थर्ड गुरु अध्यापक, उपहार भेंट पोटली पार्सल, आदर सत्कार सम्मान, पड़ोसिन सहवासी, प्यार प्रेम, कृपा दया, हैरान आश्चर्यचकित। ओके सो दिस इज अवर वर्ड्स मीनिंग, राइट डाउन दिस वर्ड्स मीनिंग वन टाइम इन योर नोट, सॉरी इन योर रीडर, कंप्लीट दिस बिट इन योर रीडर। ओके राइट नीटली एंड प्रॉपरली, रीड एंड राइट, डोंट डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस बिट आ बिट, इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द बिट्स। ओके टिल देन कंप्लीट दिस वर्ड्स मीनिंग इन योर रीडर, ओके कंप्लीट दिस बिट इन योर रीडर, रीड एंड राइट चिल्ड्रन, ओके इंशाल्लाह विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।